यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वन बाय रूट टू और ये डिवाइड में है, यानी कि ये सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ बोले तो ये वन इंटू रूट थ्री जाएगा और ये अभी क्या था रूट टू ये वाला था और यहाँ से ये टू प्लस टू रूट थ्री ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, यहां से अब इसका आंसर लाना है रूट थ्री और बाय में इसका कॉमन निकल सकता है, रूट टू कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट टू हो जाएगा, नहीं इसको गुना कर दो, छोड़ दे गुना कर देते हैं, रूट टू को अंदर कर देते हैं, टू रूट टू प्लस रूट टू इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देगा, टू का टू रहेगा बिना रूट वाला, रूट वाला जाएगा रूट वाला साथ में, तो रूट टू इंटू रूट थ्री तो ये दोनों रूट अंदर में जाकर गुना जाएगा, दो और तीन रूट दो गुना रूट तीन रूट छह हो जाएगा, ये आ गया। अब इसको हर का परिमेयकरण कर देते हैं, हर का परिमेयकरण आता है सीख लीजिए, इसका जो है वैल्यू एक बार लिख देना है, सेम लिख दिए, अब गुना करना है। ठीक है, मैथ में अगर किसी भी संख्या में जितना ऊपर गुना किया उतना ही नीचे से गुना कर दे तो भाई दोनों सेम में कट जाएगा, तो यही अपना जो वैल्यू उसका वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गुना कर देंगे इसी तरह से, तो गुना अपने से क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण रेशनलाइज यानी कि जो नीचे में है डिनोमिनेटर उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन याद रहे अगर प्लस रहेगा बीच में तो माइनस कर देना है, यानी कि टू रूट टू माइनस टू रूट सिक्स, जो ऊपर गुना करेंगे वही नीचे नीचे गुना कर देना है, ये सेम चीज यहाँ गुना किया लेकिन बीच में प्लस था, इसको क्या कर दिए यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसको इस दोनों साथ गुना करना है, रूट थ्री टू रूट टू माइनस टू रूट सिक्स, और इसको ये देख सकते हैं यहाँ पर एक बार प्लस में रेशनलाइज हो जो कि नाइन प्लस में बिल्कुल आसान है, तो रेशनलाइज यहाँ किए ए प्लस बी गुना ए माइनस बी का फॉर्मूला बैठेगा ही बैठेगा, और ये इसको क्या कर देना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बैठ रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसको पुट कर देना है, यानी कि ए जो है और बी जो है उसका स्क्वायर कर देना, ए माइनस दे देना बीच में, ए का स्क्वायर टू रूट टू का स्क्वायर माइनस बी टू रूट सिक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको गुना कर देते हैं तो ये टू रहेगा, टू टू कॉमन निकाल देते हैं कोई दिक्कत नहीं, रूट थ्री अंदर कर देते हैं, रूट थ्री इंटू रूट टू रूट सिक्स माइनस टू तो बाहर कर दिए, यहाँ पर रूट थ्री इंटू सिक्स कर देते हैं, यहाँ पर सिक्स इंटू थ्री रूट के अंदर जाकर गुना हो जाएगा भाई, यहाँ से टू का स्क्वायर फोर रूट टू का टू टू का ये टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा और रूट सिक्स का सिक्स। ठीक है, फोर टू जा एट, ठीक है, और सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, अब यहाँ 24 आ जा रहा है, चलिए आगे का स्टेप कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये 2 और रूट 6 रहने देते हैं माइनस, इसको लिख दे सकते हैं 6 को 2 गुना 3, तो रूट में इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 को 2 गुना 3 और पहले से वो 3 था ये वाला, तो 3 3 पेयर मिलेगा तो 3 बाहर हो जाएगा और रूट 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा थ्री बाहर हो जाएगा एक और यहाँ पर बच जाएगा रूट टू बाय में माइनस 16 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर छह चौके 24 तो यहाँ माइनस में 24 और इधर 8 चार दूनी 8 24 में 8 माइनस करेंगे 16 बचेगा, बड़ा का साइन माइनस तो यहाँ भी माइनस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या करना है भाई, ये दो से काट देंगे 8 बार में कट गया, एक लाइन और यहाँ लिख देते हैं, ये माइनस का साइन है हमको माइनस का साइन नहीं चाहिए भाई, माइनस नीचे रहे चाहे ऊपर रहे वैल्यू माइनस में है, यहाँ माइनस है तो इसको क्या करते हैं माइनस गुना कर देते हैं। ठीक है, इस माइनस को अंदर कर देते हैं, यहाँ पर ये चला जाएगा ऊपर जाएगा, यहाँ माइनस अंदर कर देते हैं, तो जब भी माइनस गुना होता है जो माइनस में रहता है वो प्लस और जो प्लस में था वो माइनस में हो जाता है भाई, ये माइनस में दिए प्लस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्लस वाले को पहले लिख देंगे थ्री रूट टू, ये रूट सिक्स माइनस में हो जाएगा इसको बाद में लिख देते हैं रूट सिक्स, और बाय में जो अभी एट बचा है एट आ गया, अब कहोगे माइनस कहाँ आ गया तो माइनस ऊपर में गुना कर दिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, बस इसमें रेशनलाइज कर देना। ठीक है, वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई होप। चलिए यहाँ पर अब इसको नेक्स्ट बताते हैं,
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये साइन 30 प्लस 10 45 माइनस कोसेक 30 डिग्री बाय सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 आसान है। क्या करना है, इसको वैल्यू पुट कर देंगे साइन 30 का 1/2, 10 45 वन माइनस कोसेक 30 टू, ठीक है कोसेक 30 का कितना होगा 2 हो जाएगा। कोसेक 30 क्या है, कोसेक 30 यहाँ पर अगर निकालें कोसेक 30 का तो साइन ये कोसेक जो किसका रेसिप्रोकल है साइन का, 30 की निकालना है तो साइन 30 का, साइन 30 वैल्यू 1/2 इसका रेसिप्रोकल 2, ठीक है सेक 30 अब निकालना है मतलब कोस 30 का रेसिप्रोकल है तो कोस 30 कितना होता है √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा और प्लस कोस 60 साइन 30 के इक्वल होता है साइन 30 का 1/2 कोट 45 वन, ठीक है यहां से ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस घट जाएगा भाई, 2 में 1 घटेगा 1 बचेगा, 12 का साइन माइनस तो माइनस होगा 1/2 माइनस 1 आएगा 2 √3 2 इसके नीचे कुछ नहीं 1 तो इसका रूट एलसीएम क्या निकलेगा 2√3 का नहीं निकलेगा 1 तो वही रहेगा 2√3 आ जाएगा यहाँ पर इसका एलसीएम 2√3 हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पर √3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बच जाएगा, इस पूरे को √3 से डिवाइड करेंगे 2 बच जाएगा 2 × 2 4 प्लस 2 इसको 2 से डिवाइड करो √3 बच जाएगा तो √3 से गुणा कर देंगे 1 को और इसको 1 से डिवाइड करेंगे इसको भी 1 से तो पूरे बच जाएगा ये पूरा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 बच जाएगा भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका भी एलसीएम यहाँ पर निकाल लेते हैं, इसका नीचे कुछ नहीं 1 या तो हाँ ठीक है अब ये क्या हो जाएगा ये 1/2 यानी कि एलसीएम 2 आ जाएगा और ये नीचे में 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो 1 बचेगा 1 × 1 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा 2 × 1 − 2 हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन गलत है क्या, सेक 30 होना चाहिए था, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं ठीक है। यहाँ पर सही है, क्वेश्चन गलत था कि ये कोसेक 30 नहीं होगा कोसेक 60 होगा, तो कोसेक 60 का वैल्यू बैठा देंगे कोसेक 60 है साइन 60 का रेसिप्रोकल, साइन 60 होता है √3/2 इसका 2/√3 हो जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका यहाँ पर प्लस में 1 रहेगा, इसका भी एलसीएम निकाल देते हैं इसके नीचे कुछ नहीं 1 × √3 √3 2 × √3 डिवाइड कर देंगे इसको 2 से तो 2 का जगह √3 हो जाएगा √3 × 1 √3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 रह जाएगा माइनस का साइन, इसको √3 से डिवाइड करेंगे √3 √3 कट जाएगा 2 बचेगा 2 × 2 4। अब यहाँ क्या करना है इसको ये 1√3 ये 2√3 कितना √3 हुआ 3√3 माइनस 4 बाय में ये 2√3 रहेगा, ठीक है ये रहेगा और फिर से यहाँ 2√3 रहेगा, ये एक 1√3 2√3 ये 4 का 4 और प्लस में 1√3 2√3 3√3 2/√3 2/√3 यहाँ पर कट जाएगा बच जाएगा ऊपर में 3√3 − 4 और बाय में लिख सकते हैं इसको 3 प्लस और छोड़ यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर 4 + 3√3 तो दिक्कत ये दोनों कट गया ना सेम था कट गया क्योंकि ये ऊपर जाता है ये ऊपर जाता है ये ऊपर और नीचे कटता और ये यहाँ जाता है नीचे में रह गया भाई ये ऊपर और ये नीचे रह गया। इसलिए क्या करें इसको फिर से रेशनलाइज कर देते हैं 3√3 − 4 / 4 + 3√3 ×
जो हर डिनोमिनेटर में है हर में उसको लिखेंगे साइन चेंज करके प्लस से माइनस कर दिए, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, थ्री रूट थ्री माइनस फोर और माइनस थ्री रूट थ्री, ठीक है। यहां पर अब क्या हो जाएगा, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चार का स्क्वायर माइनस बी तीन पर तीन गुना रूट तीन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको इसको दोनों साथ गुना करेंगे, थ्री रूट थ्री को इस दोनों साथ में, थ्री रूट थ्री इंटू फोर, तो बिना रूट वाला गुना हो जाएगा, तीन चौके बारह रूट तीन, ठीक है, बारह रूट तीन हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो फिर से इसको इसके साथ, तो ये प्लस गुना माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है, रूट तीन गुना तीन रूट तीन, इसका होल स्क्वायर भाई, तीन तिहाई नौ और तीन तिहाई नौ और रूट तीन गुना रूट तीन, रूट तीन का स्क्वायर रूट कट जाएगा, तीन बचेगा, और बाई में चार का स्क्वायर सोलह, अच्छा और बचा हुआ यहाँ पे, बचा हुआ ये फोर से इसको मल्टीप्लाई करना, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, फोर फोर जा सिक्सटीन हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस फोर से इसको, तो बिना रूट वाला चार और तीन, चार तीन बारह और ये रूट तीन बचा हुआ है, ठीक। अब हो गया चार का स्क्वायर सोलह माइनस, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तीन का स्क्वायर नौ, रूट तीन का स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बचेगा तीन, अब यहाँ पर बारह रूट तीन, बारह रूट तीन चौबीस रूट तीन, यहां से आ जाएगा ये नौ तिया सत्ताईस माइनस में और सोलह माइनस में, क्या जाएगा दोनों को जोड़ देंगे, नौ तिया सत्ताईस और सोलह दोनों माइनस में, सत्ताईस माइनस में, नौ तिया सत्ताईस माइनस में और ये माइनस में सोलह, माइनस माइनस है साइन सेम है, माइनस माइनस या प्लस प्लस तो जुड़ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाएगा भाई, साइन दोनों में माइनस तो यहाँ भी माइनस, छह और सात को जोड़ देंगे तो तेरह का तीन बच गया, एक दो और एक तीन, एक हाथ होगा चार, माइनस तैतालीस आ गया। और बाई में सोलह और ये नौ तिया सत्ताईस, ठीक है, यहाँ पर सोलह में क्या करना है, एगो प्लस है एगो माइनस, यहाँ घटेगा, यहाँ जोड़ देते यहाँ पर घट जाएगा, सत्ताईस जो है माइनस में है, सोलह जो है प्लस में, यहाँ पर सोलह प्लस में सत्ताईस, नौ तिया सत्ताईस माइनस में, तो यहाँ पर घटा देंगे इसको, ठीक है, घटा देंगे तो कितना बचेगा, सात में छह एक, दो में एक, एक बड़ा का साइन माइनस, तो यहाँ भी माइनस, यानी कि माइनस ग्यारह आया। यहाँ पर फिर से माइनस ग्यारह आ गया, माइनस को इधर गुना कर देंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर ले रहा कि गुना कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में, यानी कि 43 माइनस में था प्लस में हो गया, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, जिसके लिए इसको बाद में लिख देते हैं, चौबीस रूट तीन और बटा में ये हो गया ग्यारह, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है दिया हुआ है फाइव कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस फोर सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। और बाई में है यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अगर यहाँ पर देखें तो ये फॉर्मूला में, जो फॉर्मूला नहीं बताए हैं अभी तक, 14.8.3 में यूज होगा, इसलिए इसको आगे बताने के लिए सोचे। यहाँ पर एक इस तरह से फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इस टाइप से थीटा यहाँ सेम होना चाहिए, अगर यहाँ 30 यहाँ भी 30 होना चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, यहाँ प्लस होना चाहिए, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 30 प्लस एक आ जाएगा, इतना बराबर एक होता है, एक आ जाएगा यहाँ पर नीचे, वेल्यू पुट कर भी करके दिखा देते हैं, यहाँ पर रूट हो जाएगा इसको, फाइव का फाइव होगा यहाँ पर, फाइव का फाइव और कोस स्क्वायर 30 60 है, तो कोस 60 का वैल्यू लिख देंगे कितना होता है 1/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस
फोर इंटू सेक थर्टी का सेक स्क्वायर थर्टी, सेक थर्टी का जो वैल्यू होता है उसी का स्क्वायर कर दीजिए। सेक थर्टी है मतलब कि कोस थर्टी का रेसिप्रोकल, कोस थर्टी को होता है रूट थ्री, रूट हाँ रूट थ्री बाई टू, इसका हो जाएगा टू बाई रूट थ्री रेसिप्रोकल माइनस टेन फोर्टी फाइव का वन का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थर्टी, साइन स्क्वायर थर्टी, साइन थर्टी का वन बाई टू का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थर्टी, कोस थर्टी का रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा यहां पर, फाइव वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, फोर का फोर इंटू टू का स्क्वायर फोर, और रूट थ्री स्क्वायर रूट कटेगा तो थ्री बचेगा, माइनस वन का स्क्वायर वन होगा, वन बाई टू का वन का स्क्वायर वन, टू का फोर, रूट थ्री का स्क्वायर रूट कटेगा थ्री बचेगा, टू का स्क्वायर रूट कटेगा फोर बचेगा। यहां से अब इसमें देख सकते हैं फाइव बाई फोर हो जाएगा, गुना कर देंगे ऊपर चला जाएगा फाइव, ये फाइव बाई फोर ऊपर है ये, प्लस फोर फोर जा सिक्सटीन बाय, ये थ्री हो जाएगा, माइनस में वन हो जाएगा, और बाय में फोर फोर नीचे बोले सेम रहेगा तो एलसीएम सेम होगा, ऊपर लग एड कर देना थ्री और वन फोर, फोर फोर कट गया एक बार, नीचे का कहानी खत्म, ऊपर बचा हुआ है, ऊपर बचा हुआ है यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं एक हो जाएगा, उतार देते हैं फाइव बाय फोर प्लस सिक्सटीन बाय थ्री माइनस वन बाय वन एलसीएम, नीचे का खत्म हो गया, वन से डिवाइड करेंगे वही बचेगा, नीचे में फोर बाय फोर वन आ गया खत्म हो गया। यहाँ से फोर थ्री वन का एलसीएम, फोर थ्री जो ट्वेल्व हो जाएगा, फोर को ट्वेल्व से, ट्वेल्व को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री थ्री फाइव जब फिफ्टीन प्लस, अब इसको थ्री से डिवाइड करेंगे, थ्री से इसको डिवाइड करेंगे ठीक है, भागा करेंगे यहाँ पर भी ट्वेल्व को फोर से डिवाइड करेंगे तो आगे था कितना थ्री, फोर थ्री जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री फोर जा फोर टाइम में आ रहा तो सिक्सटीन फोर जा कितना जाएगा सोलह चौक चौसठ, माइनस एक से भाग देंगे माइनस माइनस में बारह हो जाएगा ठीक है, इसको और इसको घटा देते हैं पंद्रह में बारह घटा देंगे तीन बच जाएगा ठीक है, बड़ा वाला बड़ा जो है प्लस में पंद्रह तीन बचेगा तो प्लस में बचेगा तो चौसठ में तीन जोड़ देंगे तो हो जाएगा सड़सठ और बटन हो जाएगा बारह, ये इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ये दिया हुआ है इसलिए चार ऑप्शन, चार ऑप्शन में से कौन सा होगा, पुट करते हैं इसका वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, टू टू इंटू टेन थर्टी का वैल्यू वन बाय रूट थ्री हो जाएगा, बाय में वन प्लस टेन स्क्वायर थर्टी, टेन थर्टी का ही वैल्यू लेकिन स्क्वायर कर देना है तो ऊपर में टू इंटू वन बाय रूट थ्री, बाय में वन प्लस वन का रूट वन का स्क्वायर वन, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आ जाएगा, अब यहाँ से टू बाय रूट थ्री हो गया, टू बाय रूट थ्री बाय में ये थ्री यहाँ जाएगा, थ्री प्लस वन फोर, फोर बाय थ्री हो जाएगा भाई फोर बाय थ्री, अब यहाँ क्या कर रहा है इसको डिवाइड कर रहा है इससे ठीक है, टू बाय रूट थ्री को डिवाइड करना है फोर बाय थ्री से, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे टू बाय रूट थ्री और इंटू में थ्री बाय फोर, टू टू जा फोर दो बार में कट गया, अब थ्री को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर कहें बोले यहाँ पर रूट थ्री इंटू रूट थ्री तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है स्क्वायर रूट कट जाता है दो बार तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाता है थ्री बचेगा, मतलब जहाँ थ्री है वहां इसको बैठा सकते हैं, यहाँ पर यही रूट थ्री इंटू रूट थ्री बैठेगा तो एक रूट थ्री एक रूट थ्री कट जाएगा तो एक रूट थ्री बचा हुआ है यहाँ पर आ जाएगा रूट थ्री बाय में टू। अब इसमें बताना है इसका ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो रूट थ्री बाय टू किसका होता है, साइन सिक्सटी का भी होता है, कोस थर्टी का भी होता है ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है साइन सिक्सटी कोस सिक्सटी टेन सिक्सटी साइन थर्टी, साइन थर्टी का वन बाय टू, टेन सिक्सटी का रूट थ्री, कोस सिक्सटी का वन बाय टू, साइन सिक्सटी का रूट थ्री बाय टू, मतलब ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये वन माइनस टेन स्क्वायर कितना फोर्टी फाइव डिग्री और बाय में वन प्लस टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए में है
टेन नाइन्टी और इसका बी में है वन, सी में है साइन 45 और इसका डी में है जीरो। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पहले ये वन माइनस 1045 का वन का स्क्वायर कितना आ जाएगा, वन हो जाएगा। बाय में वन प्लस वन का स्क्वायर वन ही रहेगा यानी कि वन, और इसको सॉल्व करें वन का स्क्वायर वन लिख दिया, वन यहाँ भी स्क्वायर वन, वन माइनस वन जीरो, बाय में टू, जीरो को अगर टू से डिवाइड करते हैं, जीरो को अगर टू से डिवाइड करते हैं जिसका आंसर कितना हो जाएगा जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए एक फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए इंटू कोस ए होता है। ठीक है, और भी फॉर्मूला है इसका, वो सारा ट्रिग्नोमेट्री तो टोटल फॉर्मूला ही भरा हुआ है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कोस बी, ये वो क्वेश्चन था, इसी पर बैठा के बना सकते थे लेकिन वैसे बैठाना नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं समझे इस फॉर्मूला को लिखना, आगे पढ़ना है। यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। कोस का भी ऐसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। यहाँ पर क्या जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी प्लस है तो माइनस, और कोस ए इंटू कोस बी यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस। टेन का इसी तरह से ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, वन माइनस टेन ए, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा, टेन ए इंटू टेन बी, और यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ फिर प्लस, ये हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है साइन टू ए, क्वेश्चन में साइन टू ए इज इक्वल टू दिया हुआ है टू साइन ए, तो यहाँ पर पूछ रहा है वेल्यू कि ए का वेल्यू कितना आएगा, ए का वेल्यू जो है सो कितना आएगा। तो साइन टू ए का फॉर्मूला बैठा देंगे, क्या होता है टू साइन ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू टू साइन ए। ठीक है, तो इधर भी टू इधर भी टू इधर भी साइन इधर भी साइन कट गया, इधर कितना बार में एक बार में, कोस ए इज इक्वल टू वन, कोस कितना का वैल्यू वन होता है, कोस इज इक्वल टू कोस जीरो का वैल्यू, कोस जीरो डिग्री का वैल्यू वन होता है, कोस कोस कट जाता है। ठीक है, ए इज इक्वल टू जीरो डिग्री, ठीक है ए का जो वैल्यू आएगा वो जीरो डिग्री आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूला का काम खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू टेन थर्टी डिग्री और बाय में है वन माइनस टेन स्क्वायर थर्टी डिग्री, इसको भी फॉर्मूला बैठा सकते थे, लास्ट का फॉर्मूला टेन ए प्लस बी वाला। ठीक है, टेन थर्टी प्लस टेन थर्टी, टू टेन थर्टी दिया हुआ है, वन माइनस टेन ए मतलब टेन थर्टी इंटू टेन थर्टी, वही टेन स्क्वायर थर्टी दिया हुआ, उसमें भी बैठा सकते हैं, ऐसे भी बैठा निकाल सकते हैं। तो अगर उस तरह से आता है तो क्या आएगा, टेन थर्टी प्लस टेन थर्टी मतलब यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला में, तो ये क्या जाएगा टेन सिक्सटी, यानी कि इसका वैल्यू आएगा टेन थर्टी थर्टी सिक्सटी हो गया, टेन सिक्सटी का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं रूट थ्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको यहाँ पर बना के देखते हैं, ठीक है, टू इंटू टेन थर्टी का वैल्यू वन बाय रूट थ्री, वन माइनस टेन स्क्वायर थर्टी, टेन थर्टी का वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर, यहां से टू बाय रूट थ्री बाय में वन माइनस वन बाय स्क्वायर रूट कट गया थ्री बच गया, ऐसा आ गया। ठीक है, ये टू बाय रूट थ्री रहेगा,
और यहाँ पर इसको उधर लिख देते हैं, टू बाई रूट थ्री रहेगा बाई में ये थ्री यहाँ चला जाएगा, थ्री माइनस वन टू, और बाई में ये थ्री रहेगा अभी, ठीक है। अंगुन कटता है, लिखते हैं ये टू टू कट गया, ये चला जाएगा सबसे ऊपर, कट गया खत्म हो गया, तो ये थ्री बाय रूट थ्री। अगर यहाँ देखा जाए नीचे में रूट थ्री है, ऊपर में केवल थ्री, तो थ्री को अभी बताए थे, थ्री को लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री दो बार गुना, एक बार कट गया तो एक बार रूट थ्री बचा हुआ, यानी कि रूट थ्री आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा था, ऑप्शन दिया हुआ था कोस 60, साइन 60, टेन 60, तो यहाँ पर टेन 60 का ये वैल्यू है, ऑप्शन नंबर सी में टेन 60 का वैल्यू है, हो गया टेन 60 आ गया। अच्छा ऑप्शन क्या चूज करना था, देखना बैठा फॉर्मूला में, जो लास्ट फॉर्मूला लिखे थे ये लास्ट लोग फॉर्मूला में आ रहा था, वैसे आ रहा था टेन ए प्लस बी होता है, टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है, टेन बी बाय में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यहाँ 30 ले लिया गया, यहाँ भी 30, तभी तो यहाँ पर 10 30 प्लस 10 30 आ गया, टू टेन 30 डिग्री, और बाय में 1 माइनस 10 30 इंटू 10 30 दोनों सेम है, 10 30 इंटू 10 10 30 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये इस फॉर्मूले में सीधा सीधा मतलब 30 30 60 यानी कि 10 60 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां पर कह रहा है कि इफ 10a plus b इज इक्वल टू रूट थ्री है एंड 10a minus b इज इक्वल टू 1/√3 है, तो a और b का वैल्यू निकालना है, जहाँ a जो होगा ग्रेटर होगा b से, और a और b का दोनों का सम जो होगा ये क्यूट एंगल का नियम कौन होगा, ठीक है, बहुत आसान है, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, लिख सकते हैं 10a plus b इज इक्वल टू रूट थ्री, और 10 कितना का वैल्यू रूट थ्री होता है, तो 10a plus b इज इक्वल टू 10 60 का वैल्यू रूट थ्री होता है, 10 10 कट गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड वाला से क्या गिवन है, 10a minus b इज इक्वल टू 1/√3, तो 10 कितना का वैल्यू रूट थ्री, 1/√3 होता है, 10 कितना का वैल्यू, 30 का वैल्यू, 10 10 कैंसल, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड को गिरा देना है, थ्री चैप्टर में पढ़े हमें यहाँ पर इलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि, इस दोनों को गिरा देंगे यहाँ पर, बी और बी इलिमिनेट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट क्या था, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, यहाँ पर ये दोनों घटके खत्म हो गए, ए प्लस ए 2a, 60 प्लस 30 90, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 45, ए इज इक्वल टू निकला जब 45, तो बी का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, क्योंकि इसको फर्स्ट में बिठा देना, सिंपली फर्स्ट में बिठा देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में क्या था, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना था 60, तो ये दोनों को जोड़कर 60 आ रहा है, ए आ गया 45, तो बी का वैल्यू सिंपल है भाई 15 आ जाएगा, तो ए का वैल्यू 45, बी का वैल्यू 15 आ गया, ठीक है, इसलिए यही तो रहने देते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, उस चीज को सुधारा जाएगा, और इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है, ठीक है, और अच्छा लगता है तो वीडियो को आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए।